हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है और पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि आज गूगल एडसेंस पिन मिल जाएगा। वैसे आज 24 तारीख है, लेकिन गूगल एडसेंस पिन करीब 22 तारीख को आ गया था, लेकिन 22 तारीख को मैं थोड़ा कहीं गया था, जिसकी वजह से गूगल एडसेंस पिन आया था, जो डाकिया है वो लाया था, और पता नहीं किस बंदे से मेरे बारे में पूछा और बताया नहीं। तो फिर वो क्या किया कि उसको वापस पोस्ट ऑफिस ले कर छोड़ दिया। फिर 23 तारीख यानी कल हम आए, उसके बाद सोचे थोड़ा चलो मैसेज भी आया था, मेल आया था कि एक्चुअली मतलब कि जो एडसेंस पिन वेरीफाइड के लिए। तो मैं सोचा भाई 3 हफ्ता हो गया है, क्योंकि अप्लाई किया था मैं करीब, तो उसकी अकॉर्डिंग इसी 21 तारीख को 3 वीक पूरा हो गया था, और 3 से 4 वीक में गूगल एडसेंस पिन आता है। फिर सोचा चलो कम से कम डाकिया से मिल लेंगे, तो उससे तो सोचे थे कि अगर डाकिया से मिल लेंगे उसको बता देंगे, तो अगर पिन अगर आएगा है तो उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, फटाक से मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जब उसको उससे मैं मिलने करीब शाम के टाइम 4 बजे के आसपास गया, तो जैसे उससे मिले, जैसे अपना नाम बताया, तो बोला कर यार कल तुम कहाँ थे, मैं कल तुमको पूरा दिन भर ढूंढ रहा था और भी काफ़ी लोग से पूछा, तो तुम्हारा कोई बता ही नहीं कि तुम यहाँ पर रहते हो। तो मैं फिर उसको वापस पोस्ट ऑफिस भेज दिया। तो मैं बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो पोस्ट ऑफिस होगा। तो बोला नहीं नहीं पोस्ट ऑफिस नहीं, मैं पोस्ट ऑफिस छोड़ देता, उस पर पता नहीं क्या बताया था कि क्या कुछ लिख के फिर उसको भेज दिया। बोला कि नहीं अब डायरेक्ट वहाँ से वो वापस चला गया। तो फिर मैं बोला कि यार वो मतलब कुछ उसका सोलूसन है, ताकि मतलब उसको मैं वापस ला सकूँ। तो बोला नहीं कुछ सोलूसन नहीं, वापस नहीं आ सकता, कोई मतलब नहीं जाके। फिर बोला छोड़ जान दो, अब तुम खैर मूड ख़राब हो मत जान दो, कोई बात नहीं है, एक बार चल के पोस्ट ऑफिस एक बार देख लेता हूँ, क्या पता वहाँ पर मुझे मिल जाए, या नहीं मिलेगा तो कुछ क्या पता सोलूसन मिल जाए। तो कहते हैं ना कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार मान लेंगे तो समझ लो उसी वक्त हार गई तुम्हारी हो गई। तो मैं सोच छोड़ो छोड़ो जाने देते हैं। फिर मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, तो उससे मैं जब मैं सब अपनी सारी डिटेल बताया, तो वो लगे अरे आप आधे घंटे लेट हैं, क्योंकि अगर आधे घंटे पहले आ गए होते तो अभी यहीं पर था, अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैं उसको भेज दिया यहाँ से, अब वापस चला गया। फिर वही सेम चीज़ मैं उससे भी रिपीट किया कि मतलब कुछ ऑप्शन है जिसके अकॉर्डिंग मैं उसको वापस मंगा सकूँ, तो जो हम लोग का पोस्ट ऑफिस है तो कोरिया पा रहे हैं, तो क्योंकि जो मऊ का स्टेशन है वो वहीं पे आता है, तो वीडियो में देखा था वहाँ पे, अब जाके देख सकते हैं। तो मैं बोला कुछ सलूशन है कि नहीं, तो बोला कि है, लेकिन जो मऊ में कोई अगर RMS करके कोई होता है पोस्ट, अगर उसमें वो काम करता है बंदा, जो जो भी पोस्ट ऑफ पोस्ट आता है, अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे वापस जाता है, वहाँ फिर उसके बाद वहाँ पे रिसीविंग करके फिर उसको वापस रिटर्न भेज देते हैं। तो बोला कि अगर आपके किसी पर्चे का होगा, किसी लिंक का होगा, तो भाई उससे मालूम कर लिए, उससे अगर कॉल बात हो जाएगी तो साथ कुछ हो सकता है। तो बताते थे कि मेरे गांव का एक बंदा है, वो जो उसमें काम उस विभाग में काम करता है मऊ रेलवे स्टेशन पे, तो नाम तो उसका पता नहीं था। फिर मैं किसी तरह गया वहाँ पे गांव में, तो मालूम किया, तो किसी को पता ही नहीं था कि वो बंदा वहाँ पे काम करता है। तो फिर गांव के एक प्रधान है करके, उनका साथ गुड्डू नाम है, तो उनके बारे में मालूम चला, तो सोचा चलो उनसे भी मिल लेते हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी लोग बताएं कि नहीं अच्छे, तो सभी लोग बोले बोले कि ये वो काफ़ी अच्छे हैं, अगर उनसे उनके पास जाओगे, अगर उनके उनसे होने लायक रहेगा तो ज़रूर वो करेंगे। तो उनसे फिर मैं मिला, तो उनको सारी बात वही सेम रिपीट किया, कैसी सी प्रॉब्लम है, तो उनको बोले ठीक है अभी देखते हैं। तो उनके पास उस लड़के का नंबर नहीं था जो मऊ स्टेशन पर काम करता था RMS करके, तो किसी और के यहाँ कॉल किए हैं। तो कॉल करने के बाद उससे उसका नंबर लिया, नंबर लेने के बाद फिर उस बंदे को कॉल किए, तो 2-3 कॉल किए लेकिन रिसीव नहीं किया। फिर उसके बाद जिससे उसका नंबर लिए थे, तो उस बंदे को कॉल किए, कॉल करके बोलें कि भाई एक बार कॉन्फ्रेंस ले, शायद मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किसी कारण कर रहा है, शायद तेरा फ़ोन अगर रिसीव होगा तो बात हो जाएगी। तो उससे कॉन्फ्रेंस में करके फिर उससे बात हुई, तो बात करके वो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको भाई किसी तरह से रोक लो, रोक के वापस कर देना इधर, फिर से वापस अपने कोयरे पर पोस्ट ऑफिस भेज सकते हो। तो उनसे मेरी भी बात हुई, तो बोले ठीक कोई बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है या कैसा दिखता है, अगर तुमको कुछ ऐसा पता तो हमको व्हाट्सअप कर दो, ताकि ढूंढने में आसानी होगी। तो मैं फिर क्या किया, मतलब गूगल एडसेंस पिन, तो गूगल एडसेंस लिखा, उसका गूगल एडसेंस का जो बहुत लोग यूट्यूब पे उसका दिखाते हैं, तो उसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट करके मैं उनको भेज दिया, बोला सेम ऐसा ही दिखता है। तो उनसे बात हुई, उस टाइम बात हुआ, फिर शाम के टाइम फिर एक बार कॉल किया उनको याद दिलाने के लिए, तो बोले कि ठीक है अभी तो कुछ नहीं है,
रात को 12 बजे कॉल करना, क्योंकि 12 बजे तक हमारे पास आता है। अगर आ जाएगा तो मैं बताऊँगा। तो फिर मैं रात को 12 बजे कॉल किया, तो 12 बजे जैसे कॉल किया तो बोले कि नहीं नहीं मिल गया है, मैं उसको वापस रिटर्न कर दे रहा हूँ, आप जाके अपने पोस्ट ऑफिस से जाके ले लीजिएगा। तो मतलब कि राहत मिली, क्योंकि उसके पहले बहुत सारा टेंशन था कि एक तो इतना टाइम लेने के बाद आता है, जल्दी आता भी नहीं है, और आके भी चला गया, अब साला फिर दोबारा दोबारा रिसेट करना पड़ेगा, रिसेंड करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब तक आएगा, कब तक से आए। इतनी परेशानी के बाद फिर किसी तरह, मतलब वही है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अगर हार मान लोगे तो तुक्का निकल। अगर मैं जैसे कल जाके बोला था कुछ नहीं हो सकता, वापस चला गया, अगर उसी वक्त मैं उसके बाद सुन के हार मान गया था तो रिटर्न चला गया था, मेरे को दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ता, फिर वेट करना पड़ता, फिर कब तक आता, कैसे आता, क्या करना पड़ता, आम जम सब होता। लेकिन मैं उसको लास्ट तक प्रयास किया, किसी तरह उसको वापस लाऊँ, वापस लाऊँ। आप प्रयास करने का नतीजा है कि वापस गया, वो चीज़ उसको मैं वापस मंगा लिया। इसलिए कभी भी हार नहीं मानते और अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं। तो मिला है फिलहाल ही नहीं, लेकिन जैसे मिल रहा है मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है, दिख रहा है, किस तरह मिल रहा है, तो देखते हैं आगे तक। तो भाई फाइनली गूगल एडसेंस पिन मुझे मिल गया है, तो ये रहा गूगल एडसेंस पिन। 1 बजे कॉल करने के लिए बोला था उसको, मैं 1 बजे कॉल किया था लेकिन उसे बात नहीं पाई, फिर 2 बजे कॉल किया तो बात हुई, तो बोला कि आज जो आपका कुरियर आया मैं देने आपको नहीं आ पाऊँगा, आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस ही पहुँचिए। तो 2 बजे पोस्ट ऑफिस पहुँचा, लेकिन वो पहुँचा 2:30 बजे। फिर उसके बाद पहुँचने बाद फिर अपना ताम झाम किया, दिमाग को पूरा ख़राब कर दिया था, और ऊपर से मतलब जो वहाँ के बॉस थे, इंचार्ज थे, उसको मतलब काफ़ी सब सुनाए, बोले भाई साहब क्यों काम करते हो कि किसी भी पर्सन को डायरेक्ट डाक घर पे आना पड़ रहा है। तो मतलब थोड़ा वहाँ पे 1.5 घंटा वहाँ पर समय मिल निकल गया। तो फाइनली आपको दिखाई दिया कि जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो मुझे मिल गया, और अब इसको ओपन करेंगे, और जो एड्रेस वेरीफाइड है, तो जो एड्रेस वेरीफाई पिन है अब उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, तो ऐड बाद में करेंगे लेकिन पहले इसको कंफर्म करेंगे। वैसे बहुत परेशानी उठाने के बाद यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इसको रिसीव करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रिसीव हो गया तो सारी परेशानी सारी दिक्कत ख़त्म हो गई। तो चलो इसको ओपन करते हैं, देखते क्या पिन ही तो होगा फिलहाल, लेकिन फिर भी 6 अंक का पिन बहुत परेशान कर दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मिल गया, अच्छा लग रहा है। तो चलो आगे का प्रोसेस करते हैं, और आगे का जो प्रोसेस करेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा कि पिन को कैसे वहाँ पे एड्रेस वेरीफाई पिन को कैसे मेंशन करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अब तक के लिए इसी को यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।